बकवन पी जाता है सांप दूध। सांप दूध अगर जबरदस्ती पिया ले क्या पी जा सांप का अपन ने दूध दो बेला क्या पी के भाग गई जो हम तो असली है हैं। अब वो इनके लाने काट रहा है गुही हो वो पकने देखो आई जाए इनकी। नमस्कार भैया जय राम जी, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। एक इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है आप लोगों ने बता दे मैं जे अब हमने एक ब्लॉग बनाओ तो और जे भैया जो है जे स्नैक रेस्क्यू वाले हैं नीरज सर्प मित्र हैं जे जे जो सांप हैं गुहे हैं जितनी भी क्रिया पतिया वाली चीज़ें हैं जितने भी जहरीले जी हैं जानवर उनके लाने जो रेस्क्यू कह के जंगल में छोड़त। जैसे अपन के घर में पिड़ो या क्यों भी पिड़ो तो उनके लाने रेस्क्यू कह के जो जंगल में छोड़त। इनके पास में अब जो एक गुहियो है अपनी भाषा में ये गुहियो का वहाँ की हिंदी में ये बिस खोपड़ा बोला थे मोनिटर लेजार्ड भी बोला थे बिस खोपड़ा भी बोला हमारा से गुहियो बोला थी के लाने। तो जो गुहियो जी हाथ में ले हैं और जी अब क्यों से पका के ले आए हैं दूर तो आप लोगों ने बता दे तो जोन जो गुहेरा है इमें वास्तव में जहर नहीं होत। बाकी तुम बताओ इसके बारे में हमें तो कम इन्फॉर्मेशन है। तो नमस्कार साथियों, नीरज सर्प मित्र और हमारे यूट्यूब चैनल है नीरज सर्प मित्र के नाम से। आओ तो दोस्तों ये बिस्खोपड़ा और गुहेरा के नाम से जानते हैं अपने मध्य प्रदेश में और बहुत जहरीला मानते हैं। इससे काफ़ी सारी मौतें भी हो रही हैं दहशत की वजह से घबरा के, यानी कि ये काटता है तो घबरा जाती लोग और मर जाते हैं। तो हमारा तो अभी असलियत में जहर होत के नहीं क्यों बताओ। नहीं बिल्कुल जहर नहीं पाओ। नहीं होत बिल्कुल नहीं होत बिल्कुल नहीं कहो तो कटवा के दिखाएं। अभी कटवा के अभी दिखवाएं। हाँ मतलब इनको केवल जो है कि इमें जहर नहीं होते और तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो क्या हम खुद कटवा के तुम्हें बताया कि देखो कैसे जो काट रहे हो वो हमें का हो रहा के बिल्कुल मतलब उमें जहर नहीं है उसके काटने से कछु होत नहीं है। अपने तेरी अफवाहें फैली हैं अंधविश्वास है ऐसा कि गुहे में बहुत जहर होते। रुक जाओ अब देखो अब वो इन देखो जो पकवाला है अब वो के लाने इनके लाने काट रहा है गुही हो वो पकने देखो आई जाए इनकी काट रहा हो कि नहीं काट रहा हो दर्द हो रहा काफ़ी तेजी से काट रहा है। तो देखो जो इनके लाने काट रहा हो गुही हो और आप लोगों के लाने मतलब आप लोगों को जो अंधविश्वास मिटावे के लाने आप लोगों के लाने जो अफवाह है बहुत दूर कावे के लाने इनने कटवा हो देखो खून कड़े आओ देखो ब्लड गले है दिखा रहा खून पानी लिया था तो पानी उठा दियो बात अभी भी काटे पानी खले तो इससे काटने से कुछ नहीं होता। लेकिन अपन जो इंसान है जो बुरश करते हैं और ये बुरश नहीं करते हैं कीड़ा पतिंगा जो भी खाते हैं तो इन्फेक्शन ना बने इस वजह से इसका टीटी का इंजेक्शन लगवाएं जो कि अस्पताल में कहीं पर भी मिल जाता है टिटनेस का इंजेक्शन बोलते हैं कोई इन्फेक्शन ना बने। आओ कीड़ा मकोड़े खाते हैं वजह से और साबुन से इसको धो ले जहाँ पर काटे जो मतलब जानकारी है जागरूकता है कि गुहे में जहर नहीं हो। तो दोस्तों हम इन्हें कटवा कर बता दिया गुहे में जहर नहीं हो काट भी खा मैं कहूँगा यार मन खा तो कहूँ जावे की जरूरत नहीं है ऐसा धो लो एक टीटी को इंजेक्शन लगवा लो जो खून 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 बंद नहीं करना जो खून बंद नहीं करना ना तो आदमी बंद कर निकरन देखो ये तुम हां नका जान दो निकर जान दो कोनो भी सांप वगैरह काटे आदमी दबाव नहीं। हां हां और जैसे जहरीलो सांप उजे तो जहर अंदर चले जे तो है खून निकल रहा तो उसमें दिक्कत कम रहे साथ में जहर भी निकल जाए इन्फेक्शन होवे को डर है मतलब इन्फेक्शन ना हो इन्फेक्शन बस हो सका बाकी उमे कोनो जहर पीना भीता पोटली रहते ना जहर उमे रहते कब वो काट खावे तो कौन जहर भी रात हो कोई जहर मह डाल ठीक है। तो भैया हम लोग इस वजह से वीडियो बना रहे थे कि हमारा मतलब अभी चैनल नया है और बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और कक्कू भैया के 4 से 5 लाख सब्सक्राइबर हैं जो कि इनके माध्यम से सब जगह पर जानकारी पहुंच जाए इस वजह से हम लोगों ने बनाया। और हमको इससे कोई मतलब जैसे हम कटवा के दिखा रहे हैं आदमी बोलते हैं कि कुछ दवाई खाए हैं कोई जादू होता है हमको क्या मतलब होता है काटेगा आपको ही दिक्कत है लेकिन कभी भी किसी को काटे तो झाड़ फूंक के चक्कर में ना पारे सीधे हॉस्पिटल जाएं और अपनी जान बचाएं और बाकी जो भी है कक्कू भैया बोलेंगे। हाँ पहली बात तो अगर सांप काटवे आपके लाने तो सीधे अस्पताल जाओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ होते हैं वो इंजेक्शन रखे कौन सा इंजेक्शन रख एंटी वेनम नाम को एक इंजेक्शन रखे जो कि सरकारी अस्पताल है अब उसे रखो ना आप ले आओ कुछ समय तो
अगर सांप वगैरह आपका काटे, सांप भी इतने हैं, हम सांप भी तरह देखे में दिखा, अगर सांप आपका काटे तो सांप के लाने आपकी लाने सीधो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके हाओ पहले तो जहरीलो सांप अगर है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाकर मतलब एक इंजेक्शन रहता है एंटीवेनम नाम को बोर्ड लगवाओ, उसने आप ठीक हो जाओ। बाकी अगर जितने जाना आप दहशत में रहो या डरो उसे तो आपकी जैसे खून की जितनी भी रक्त वाहियाँ भी बहुत तेज़ी से चलें तो खून बहुत तेज़ी से चले से वो जहर बहुत जल्दी शरीर में फैल जाए, तो आपका डराने नहीं है, आपका मेरे को दहशत में जाना है। वो ई की जितने भी आदमन का जो काटा थे वो ई के काटे से ना मायत नहीं मायत मायत है, वो दहशत की वजह से वो तो आदमी तो ज़्यादा डरा जाते हैं कि उसके अंदर अपने आप जहर बन जाते डरावे की वजह नहीं, जो हार्ड रहता है अपना जो जैसे कि ये गाड़ी है इसमें अभी टायर में 35 पॉइंट हवा भरी है और अगर 1000 पॉइंट भरेंगे तो फट जाएगा, तो अभी अपन सांस नॉर्मल ले रहे हैं, जो भीतर का जो सांस लेने का मतलब वो होता है पंप कर रहा है, अगर ज्यादा उसमें सांस मतलब दहशत पड़ गई तो पंप तेजी से हुई है तो कहने का मतलब तो उसमें तो पंचर बन जाए लेकिन अंदर पंचर न बने अपने भीतर ही बने पंचर, तो बात ये है कि दहशत भरी पाल लें अंदर बस तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक अब्बा भाई के भी आजमन के अंदर है काओ कला भी कला गोयो काट खावे तो वो अपने मुंह में लौट जात तो अपन मर जात या फिर अपन पानी में कून जात तो फिर जो मर जात उसका कनेक्शन बताओ आप लोग खुद बताओ, लेकिन कहते हैं आज लोग कह लगे ऐसी कथा है कहीं आदमी तो जा भी एक पुई पुई अब्बा है आप लोग ना बता दे कला गोयो अगर भैया काट खावे तुरंत अपने मुंह में लौट जात सुवादी मर जात। चलो जो भी है ठीक है, जैसे लोग करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि वो सोच लेते हैं लोग कि हमने पानी डाल लिया तो मतलब हम मरेंगे नहीं, तो वो बीपी लो हो जाता है, इस वजह से सांस ज्यादा नहीं लेते, बच भी सकते हैं आदमी। और जैसे कोई झाड़ फूंक जैसे मान ले हम भी कह सकते हैं कि हाँ इसका हम दवाई कर दे कुछ भी, जैसे आप लोगों जैसे किसी ने काट लिया बिना जहरीले ने काटा और उसमें किसी चीज के पत्ता या कंडी कछु भी हम मान पीस के लाकर कछु आपको खुवा दें तो आप सोचो हम बाबा ने हमें तो दवाई दे दी हम ठीक हुए। आओ पहली बात तो जहरीले काटो ही नहीं है, जहरीले काटो ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। इस वजह से झाड़ फूक के चक्कर में बस भी जाते हैं, झाड़ फूक मतलब गए कि हम तो बगाज मतलब पहुंच गए कछु नहीं होने शांति बन जात। तो केवे को मतलब जो ही है कुल मिला के देखो इन गुहे से कटवा लो और जी अब 10 मिनट से ठाड़े भी हैं अब इन्हें तो कछु भाव नहीं है जानकारी भी दे तो बहुत अच्छी चीज है। और भैया हम तो जो ही कहें इनको नंबर आप ले लो, हम आपका नंबर भी दे दिया स्क्रीन पर चले, आप मुंह से भी बोलने दीजिए नंबर, आपके घर में अगर कहूँ सांप है कछु कीड़ा फतिंगा है तो इनका नंबर लगा के इनका बुला लो, जो पकड़ लेजे और गिराने जंगल में छोड़ दें ताकि आप लोगों को सही जानकारी भी मिल जाए, सही जानकारी भी दे दें। तो इनको नंबर आप ले, मुझे नंबर बता दो तुम अपना 93-99-30-98-83 जो इनको नंबर है, बाकी हम ऊपर भी चला दें स्क्रीन पर सोते से भी आप नंबर ले लियो इनको और नंबर लगा के आपका जब भी क्यों आपको किया पतिंगा दिखाया अपने तो इनका बुला लो, काट भी खाए तो संपर्क करें और काट भी खाए तो अभी संपर्क मतलब फोटो ले पाए या मार भी डाला उस सांप को तो उसको फोटो हमको व्हाट्सएप कर दें कि सांप ने काटा है। तो सांप का मानना नहीं है पहली बात तो जाएगा कि सांप का मानना नहीं है, अपनी प्रकृति को हिस्सा है और अपन इतने खुले में अच्छे से सांस ले पा रहे और जब प्रकृति संतुलित है तो सब उन्हीं की वजह से है, इसे भैया कोनो भी किया पतिंगा का मानने नहीं है। और अपन जैसे कानूनन अपराध भी है, अगर हम दूर भी हैं और फोन लगा और हम नहीं आ पाए तो जानकारी सही दे सकते हैं कि आप हॉस्पिटल जाएं और कहां जाना है तो हम बता सकते हैं और पास में होगी तो हम आ भी जाएंगे। सही बात है। देखो भैया जो इनके लिए जो सांप भी है वो धमना सांप देखो अब आप लोग दिखाओ जो इन लगा देखो एक कोबरा सांप भी है स्पेक्टिकल कोबरा, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाओ जात। बोला बोला भैया इसमें जो है वो न्यूरोटॉक्सिक जहर पाओ जात है जी भैया बताया हमें तो नहीं है तो पता जो कि इसका इंजेक्शन सरकारी अस्पताल में मिलता है, इको इंजेक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहते हैं एंटीवेनम के नाम से, आप कहा के कोख काटो है तो सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ और जो इंजेक्शन लगवाओ जो तो डरा है वो भाग जाओ हम जी वो गुस्सा नहीं हो रहा गुस्सा हो रहा का रेंज में अगर पहुंचे अभी रेंज में नहीं आ रही तो फन नहीं मारा जूता पे तो कछु नहीं कहते
दादी उठती नहीं जा रही दादी दादी नहीं जितनी हवा भाई जाती है तो देखो आपकी जानकारी दिलाने जो भी हमने दिखा दा हुआ है बता दा हुआ है अब आप आपको सही जानकारी दे रही है। बाकी अफवाहों में आप लोग नहीं पढ़ने, अंधविश्वास में आप लोग नहीं पढ़ने। और भैया को हमने नंबर भी दे दा हुआ है और इनको चैनल है नीरज साहब मित्र के नाम से, इनके चैनल का भी आप लोग सब्सक्राइब करो और प्रकृति का संतुलित कैबे में और ऐसे बेजवान जीव के लाना बचावे खां जी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इनको आप लोग सपोर्ट करो और इनके चैनल का आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो। जो कौन है भैया साहब? जो धामन धामन साहब रेड स्नेक घोड़ा पछाड़ और किसान मित्र भी बोलते हैं। अच्छा किसान मित्र इसलिए बोलते हैं कि किसान अच्छा बनाओ जो मिट्टी को नहीं चूहा हो खाद। हाँ तो सबसे ज्यादा जैसे कि चूहा होते हैं और किसान मित्र इसलिए कहा जाता है कि चूहा खाने अनाज खाने के लिए चूहा, चूहा खाने के लिए सांप आता है। तो किसानों की ज्यादा हेल्प होती है और हमारे खेत में कम से कम हम 150 से ज्यादा सांप छुड़े हुए हैं। तुमने अपने खुद के खेत में की मतलब चूहा और दवाई वगैरह से चूहा मतलब मारते बहुत कोशिश करते हैं और स्पीड बहुत तेज है। देखो घोड़ा पछाड़ बोलते हैं घोड़ा पछाड़। तुम्हारे क्षेत्र में अब तो सांप बचे ही ना दादा? दादा एक ही काटी से कहा हो अंधविश्वास खेलो की मतलब जो पूंछ मार दे पेड़ सूख जाते या पूंछ से ऐसा काट खात है मतलब पूंछ मार दे तो होते कछु धामे साहब के बारे में फैला दो और कौन सा साहब है पूंछ नहीं पूंछ मार दे तो पेड़ में अगर और मतलब बोलते हैं लोग की गाय भैंस का मतलब तो दादा अगर जो सांप दूध पी ले है तो 15 दिन के पहले मर जाए क्योंकि दूध पचाने का इंजाम नहीं होता है। सांप कभी दूध नहीं पी सकता है। कन लगत भाई तो बात है वही से तो कभी दूध नहीं धन्ने ठीक है सांप पिलाने बकल पी जाता है सांप दूध। सांप दूध अगर जबरदस्ती पिया ले सांप पी जा सांप का अपन ने दूध धो बिलैया पी के भाग गई जो हम चो असली है जो हो नहीं ऐसे जैसे आदमी का जान का सांप पी गो दूध है आओ तो आ जाए है आओ तो गलती का हो जाए जैसे गज्जा है और गज्जा के जो मतलब घोड़े पे ले पड़ गया किल्ली वगैरह जो उसके हुए हो तो खा गया है तो आदमी ने देख रहा दूर से अरे दूध है पी रहा सांप दूध जबकि नहीं पिए थे सांप। अच्छा जो निकल रहा यार और वो जो अपन अपन क्या फन नहीं बना उसका जो सांप फन नहीं बना नहीं इसको फन वही को होते फन ही जो भैया धमना सांप है वही में जहर नहीं होते जो बिना जहरीलो सांप है इसके काटे से कोई मौत नहीं है जो धमना सांप आए लेकिन चीन लो अंदर वो गलती हो जाएगा। दो तीन प्रकार में होते जो कलर अलग अलग होते बड़े होते तो छोटो सर बच्चा है जो ये तुम्हें काटो कब बहुत ज्यादा। अच्छा वैसे जो गुस्सेल प्रवृत्ति को नहीं खुदका जो बहुत ज्यादा होते तो वो दिखा नहीं गुस्सा के हूं जब पकड़ उहा उहन काय के सांप की इतनी गुस्सा दिखाने का वो तो नहीं वो भी गुस्सा होता नहीं तो गुस्सा तो करना तो नहीं हूं गुस्सा वो भी नहीं तो गुस्सा जो नहीं कर रहा बिल्कुल जो पानी दो दो नहीं है काट भी द्वारा दे जो भागवे में ज्यादा स्पीड होते है। देखो 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 तो चढ़ जाते जो तन लाड़ के दिखा लाड़ दिखाओ जो तन लाड़ नहीं दिखा रही को कौन मूवमेंट पता पर कब काट देने हैं सेंस है वो जो है बता दी लेकिन सेंस है तो उसकी जीभ हो जो 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 बार बार जीभ काट रहा है जीभ जा इतने के लाने जीभ काटत है जो हमारे सामने कछु खावे का है का हमें ऊपर हमला कर रहे महसूस है कितना खतरा महसूस है खतरा। हां खतरा का हो रहा का वो समझ रहा है समझाते हैं आओ दे लेगा आज तो वो ये हम कह जो जो जीव जितने भी सांप जो जीव काट 50,000 खा जाए जी अपने अंदर सेंसर निकाल भी अपनों के आंख का है हमें शिकार के लाने खतरा है के नहीं या कछु खावे लाख है के नहीं हां वही खिलाने खाली सुनने का मनाइया मनाइया तो खाली सुनिए जी मोबाइल खा ले वो मोबाइल नहीं मनाइया के खा खा खा
चलो तो भैया ये वीडियो का आप लोग लाइक करो और ये चैनल का सब्सक्राइब करो। भैया को चैनल है नीयत साहब मित्र के नाम से, सो इनके चैनल का सर्च करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सर्च ना करना हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, सो लिंक से भी चले जाइए।